नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चौधरी सपन सिंह और आप देख रहे हैं अनबॉक्स लाइव। आज हम बात करेंगे कि ओप्पो के मोबाइल को किस तरह से फॉर्मेट किया जाए। फॉर्मेट करने का प्रोसीजर सभी मोबाइलों पर लगभग लगभग सेम ही रहता है, लेकिन ओप्पो के मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप ओप्पो के मोबाइल को डायरेक्टली जाकर फॉर्मेट कर देते हैं, तो जब आपका मोबाइल स्टार्ट होगा, दोबारा से स्टार्ट होगा, तो वो आपकी जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड मांगेगा। और वो पासवर्ड आप चाहे सही दे रहे हो चाहे गलत दे रहे हो, आपका मोबाइल स्टार्ट नहीं होगा। उसको स्टार्ट कराने के लिए आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा या दोबारा से उसमें सॉफ्टवेयर चढ़वाना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम अपने मोबाइल को फॉर्मेट मारें उससे पहले हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, आपको कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है। आपको अपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाकर अपने अकाउंट सेटिंग में जाना है। अकाउंट सेटिंग में जाकर गूगल पर क्लिक करना है। गूगल पर क्लिक करने के बाद में आपकी जो जीमेल आईडी है उसको रिमूव कर देना है। जब आप अपनी आईडी को रिमूव कर देंगे और उसके बाद अपने ओप्पो के मोबाइल को फॉर्मेट मारेंगे, तो आपका मोबाइल नॉर्मली फॉर्मेट हो जाएगा और स्टार्ट भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। इससे आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। यह प्रक्रिया मैं आपको अभी अपने मोबाइल से कर कर दिखा देता हूँ, जिससे आपको कोई परेशानी ना आए और आप इसे आसानी से समझ सकें। इससे पहले मैं आपको ये सारी जानकारी दूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को मैं स्टार्ट करता हूँ। इस प्रोसेस को मैं आपको सिर्फ अकाउंट रिमूव करने तक दिखा पाऊंगा, क्योंकि बाद में दिखा पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर उसमें रिमूव हो चुका होगा। तो दोस्तों, ये भी बड़ी प्रोसेस नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से फॉर्मेट करना है। सिंपल प्रोसेस मैं आप लोगों के सामने अभी पेश करता हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, पहले हमें सेटिंग्स में जाना है। तो पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे, अकाउंट अनसिंक्रोनाइज में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद ये अकाउंट अनसिंक्रोनाइज देखो, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अकाउंट्स में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर दिखना है, और किसी से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें गूगल अकाउंट पर जाना है। जैसे कि मेरे से में दो अकाउंट्स हैं, तो इसमें से हम दोनों अकाउंट्स को रिमूव कर देंगे। इसको मैंने रिमूव कर दिया है, रिमूव हो गया। अब एक अकाउंट और बचा है, इसको भी हम रिमूव कर देंगे। ये भी रिमूव हो गया है, ये रिमूव हो गया। आर यू श्योर बोल रहा है, क्योंकि लास्ट अकाउंट है, इसमें पैटर्न मांग रहा है मेरा। दे दिया है मैंने इसको। अब ये भी अपडेट हो गया। ये डिलीट हो चुका है। जब उसके बाद हम आसानी से जाकर इसको फॉर्मेट मार सकते हैं। ये बैकअप एंड रीसेट से जाकर हम इसको रीसेट कर सकते हैं और इसको पूरी तरह से फॉर्मेट मार सकते हैं फैक्ट्री डाटा सेटिंग से। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप अपने मोबाइल को अच्छी तरह से फॉर्मेट कर पाएंगे। थैंक यू। बीच में बिगाड़ देते यार तुम लोग। बंद भी तो नहीं हो रहा, कहाँ से होगा बंद?